हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। मेरा नाम मनीषा है और आप तो जानते ही हैं, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी लेके आए हैं एंड बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉमेंट्स किए हैं और हमने देखे हैं, बट अभी तक हमने रिवील नहीं किया है कि कौन विनर्स हैं। 4 विनर मैंने आपको बोला था, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें, इसके बाद ये जो वीडियो शूट हो रही है इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उस पर हम 4 जो हमारे व्यूअर्स हैं, 4 जो बेस्ट कमेंट्स हैं उनके नाम हम लेने वाले हैं। तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें और इस वीडियो में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आए हैं सेक्टर 123 सनी इनक्लेव मोहाली नियर टू चंडीगढ़। तो जो आज प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं उसका साइज़ है 125 गज में बना हुआ ये घर है। सबसे पहले हम एलिवेशन देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार का एलिवेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो इसका डायमेंशन है गाइज, वो है 23x49 का इसका डायमेंशन रहने वाला है। एंड एलिवेशन तो आप देख चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। एंड कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप का यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है। और मैं टाइल वर्क भी यहाँ पे देखिए, आपके बर्म के इस यहाँ पे भी टाइल वर्क बहुत ही अमेजिंग किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको घर के अंदर लेके चलते हैं एंड पार्किंग एरिया हम देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, तो ये है आपका पार्किंग एरिया जहाँ पे आपकी बड़ी एक गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर आपके पास 2-व्हीलर्स हैं, लाइक एक्टिवा, लाइक बाइक और लाइक साइकिल कुछ भी है, तो यहाँ पे आप अपना पार्क कर सकते हैं। टैप्स भी अवेलेबल है, मतलब इंस्टॉल किए गए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, आप वॉशिंग एरिया इसको बना सकते हैं। देन उसके बाद हमने हमारा पार्किंग एरिया तो देख ही लिया है। और अगर मैं बात करूँ फ्रंट वॉल की, तो ये देख सकते हैं, फ्रंट वॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी यूनिक सी फ्रंट वॉल आपको यहाँ पे मिल रही है। नॉर्मल वॉल आपको नहीं मिल रही है यहाँ पे, फ्रंट वॉल जो है वो कुछ डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप देख ही सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 बेडरूम नीचे आपको देखने को मिलने वाले हैं एंड 1 बेडरूम ऊपर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो जिसकी स्टेयर्स बाहर से ही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको मैच डोर मिल रहा है। सबसे पहले मैच डोर मिल रहा है, देन उसके बाद वुडन का डोर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए। तो दो दो आपको यहाँ पे डोर मिल रहे हैं। अब चलते हैं सीधा हमारे ड्राइंग रूम को देखने की तरफ। ये देखिए, ये है आपका ड्राइंग एरिया, ये देख सकते हैं आप। तो गाइज, आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है वो 20x10 का है। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा फॉल सीलिंग, ये देखिए, कुछ डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे आपको देखिए टीवी पैनल एरिया भी मिल रहा है और काफ़ी खूबसूरत सा टीवी पैनल यहाँ पे, वुडन का आपको टीवी पैनल एरिया मिल रहा है। देन उसके बाद ये देखिए, विंडो आपको मिल जाती है यहाँ पे, बड़ी सी विंडो मिल रही है ताकि सनलाइट और जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर आपको मिलता रहे। एंड मैं बता दूँ आपको गाइज, ये डबल साइडेड ओपन घर रहने वाला है, फ्रंट तो आप देख ही रहे हैं, बैक साइड भी हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद चलिए हम हमारा ड्राइंग हम डाइनिंग एरिया तो देख ही चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वॉल की, तो नॉर्मल वॉल आपको नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी डिज़ाइनर वॉल आपको यहाँ पे मिल रही है। फिर जो वॉल पेपर है यहाँ पे, इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वॉल पेपर आपको नहीं पसंद आया, तो आपका जो मनपसंद वॉल पेपर होगा यहाँ पे लग के आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं सीधा किचन को देखने, आ जाइए। तो ये देखिए गाइज, ये है आपका फुल्ली मॉड्यूलर ओपन किचन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर मैं बात करूँ इस वॉल की, तो ये काफ़ी यूनिक सी वॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऐसे यूजली होता नहीं है। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ कैबिनेट्स की आपके किचन में, तो देखिए काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्टोरेज के साथ आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ऑफकोर्स स्टोरेज का आपके किचन में कोई इशू ना हो। ये देखिए, फुल्ली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है। देन उसके बाद आपके किचन में ये देखिए, बड़ी सी विंडो आपको मिल रही है, ताकि आपको वेंटिलेशन और सनलाइट प्रॉपर मिलता रहे काम करने के दौरान ऑफकोर्स। उसके बाद देखिए, ये ओपन किचन तो आपने देख ही लिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल वॉल नहीं दिख रही है, और यहाँ पे भी आपको कुछ डिज़ाइनर वॉल मिल रही है एज इट इज़। देन उसके बाद हम हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, किचन, बाहर का एरिया सब देख चुके हैं। अब बारी आती है हमें हमारे बेडरूम्स को देखने की, तो चलिए बेडरूम्स को देखते हैं गाइस।
तो ये देखिए गाइस, ओह माय गॉड, यहाँ पे भी आपको डिजाइनर वॉलपेपर मिल रहा है, ये देखिए। तो अगर यहाँ पे भी आप चेंज करवाना चाहते हैं, अगर आपको ये वॉलपेपर नहीं पसंद आता है, तो आपके लिए अवेलेबल है। आप अपना डिज़ाइन का हम आपको ऑप्शंस देंगे, आप हमें चूज करके बता दीजिएगा जो भी आपको मनपसंद रहेगा आपका। उसके बाद ये देखिए वार्डरोब्स, स्लाइडिंग डोर के साथ आपको वार्डरोब्स मिल रहे हैं, यहाँ पे फुल हाइट तक के वार्डरोब्स आपको मिल रहे हैं। एंड यहीं पे ही वार्डरोब के साइड में आप देखिए ड्रेसिंग एरिया, आपका ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पे आपको मिल रहा है विद कैबिनेट्स। उसके बाद ये देखिए, ये आ जाता है आपका टीवी पैनल एरिया, यहाँ पे आप अपना कोई भी साइज का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ विंडो की, तो यहाँ पे भी आपको विंडो मिल रही है, ताकि वेंटिलेशन के लिए देखिए यहाँ पे मैश विंडो अवेलेबल है, ये देखिए गाइस। तो विंडो तो हम देख ही चुके हैं, इससे आपको वेंटिलेशन और सनलाइट प्रॉपर मिलता रहेगा। उसके बाद देखिए फॉल सीलिंग, तो यहाँ पे भी आपको आपके बेडरूम में नॉर्मल फॉल सीलिंग नहीं मिल रही है, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। तो हम सब देख चुके हैं, अब बारी आती है हमारे अटैच्ड वॉशरूम को देखने की, और यहाँ पे सेंसर लगाए गए हैं। तो जैसे ही आप वॉशरूम के अंदर जाएंगे, लाइट अपने आप जल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, ये है आपका वॉशरूम, डिसेंट साइज के साथ आपको आपका वॉशरूम मिल रहा है यहाँ पे अवेलेबल। उसके बाद चलते हैं हम हमारे सेकेंड बेडरूम को देखने के लिए, तो साथ में ही आपका सेकेंड बेडरूम है, एंड जो थर्ड बेडरूम है वो टॉप पे है। तो चलिए सेकेंड बेडरूम को देखते हैं, आ जाइए गाइस। ये देखिए, ये है आपका सेकेंड बेडरूम, डिसेंट साइज के साथ आपको आपका सेकेंड बेडरूम मिल रहा है। फॉल सीलिंग आपने देख ली है, एज इट इज आपको मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी वॉलपेपर की, तो ये देखिए नॉर्मल वॉल आपको यहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी डिजाइनर वॉल आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे वार्डरोब स्लाइडिंग डोर के साथ। तो गाइज मैं साइज़ आपको मेंशन करना भूल गई उस बेडरूम का, जो फर्स्ट बेडरूम का साइज़ है वो 11x13 का साइज़ है, एंड जो ये हमारा सेकंड बेडरूम है इसका साइज़ है 11x13 का, ठीक है गाइज। और ये देखिए हमारा टीवी पैनल एरिया, हमने वार्डरोब्स तो देख ही लिए, ये आ जाता है हमारा टीवी पैनल एरिया। देन उसके बाद ना हम हमारा जो वॉशिंग एरिया है वो देख लेते हैं, ये देखिए आपके सेकेंड बेडरूम से आपके वॉशिंग एरिया की एक्सेस है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड उसके बाद हम हमारा अटैच वॉशरूम देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेंसर्स लगाए गए हैं गाइस। तो जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर जाऊंगी, जादू होगा एक, ये देखिए तो लाइट्स अपने आप ओपन हो गई और लाइट बंद भी हो गई, सॉरी लाइट जा चुकी है, ये जादू मैं आपको दिखा नहीं पाई प्रॉपर। तो चलिए चलते हैं टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे हमें हमारा लास्ट बेडरूम देखने को मिलने वाला है, जो कि है हमारा थर्ड बेडरूम। तो चलिए चलते हैं थर्ड बेडरूम को देखने के लिए। स्टेयर्स बाहर से ही दी गई हैं, इसका जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि कल को आप अपना रेंट पे भी जो ऊपर वाला फर्स्ट वन बेडरूम है वो दे सकते हैं, क्योंकि आसपास में कॉलेजेस हैं तो स्टूडेंट्स बाहर बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो उनको रूम चाहिए रहता है। तो यहाँ पे आपको आपके अपने ही घर में मंथली इनकम भी आती रहेगी, इसका फ़ायदा है। और बाहर से जो सीढ़ियाँ हैं वो बाहर से ही हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैसा है वो बेडरूम। तो गाइज हम ऊपर पहुंच चुके हैं, बेडरूम को देखें, उससे पहले मैं थोड़ा बाहर का एरिया आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए आपका ये बालकनी आ जाता है, एंड ये देख सकते हैं आप आमने सामने सेम विलास बनने वाले हैं, इंडिपेंडेंट विला ये है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लोकेशन, आप देख सकते हैं काम प्रॉपर चल रहा है यहाँ पे जोरों शोरों से। उसके बाद चलिए हम देखते हैं हमारा वन बेडरूम, देखिए यहाँ पे भी आपको मैच डोर एक मिल रहा है और एक वुडन का डोर यहाँ पे मिल रहा है। तो थोड़ा मेस है गाइस, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ आपसे, थोड़ा अभी काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा बहुत मेस यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम हमारा घर देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं घर को देखने के लिए। ये देखिए, ये आ जाता है आपका ओपन किचन, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैबिनेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है, मैश विंडो आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद देखिए ये छोटा सा आपको डाइनिंग आपका ड्राइंग रूम आ जाता है यहाँ पे, अगर आप अपना सोफ़ा रख ले तो आराम से, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो उनको आप यहाँ पे आराम से बिठा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये है आपका वन बेडरूम, ये देखिए गाइस ये आपका वन बेडरूम सेट है, जहाँ पे आपको फॉल सीलिंग भी मिल रही है। और अगर मैं बात करूँ वॉल की, तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल वॉल देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी आपको डिज़ाइनर वॉल मिल रही है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ,
देख सकते हैं आप एसी की प्रोविजनिंग हर जगह की गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आके एसी की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा काम इस घर में करने को नहीं मिलने वाला, आपको बस आना है अपने सामान के साथ, अपने एसी के साथ, बस आपको कोई काम ही नहीं है इस घर में करवाने लायक। उसके बाद विंडो मैं आपको दिखा रही थी, विंडो देखिएगा, इसे देखिए विंडो आपको मिल रही है, मैश विंडो आपको यहाँ पर मिल जाती है ताकि जो वेंटिलेशन और सनलाइट है वो प्रॉपर मिलता रहे आपको। उसके बाद देखिए ये वॉशरूम से पहले हमारा वार्डरोब, ये देखिए गाइस वार्डरोब आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारे अटैच वॉशरूम, ये देखिए गाइस ये है हमारे अटैच वॉशरूम। तो गाइस हम हमारा छत देख लेते हैं, यहाँ पे आपको छत भी मिल रही है, तो छत देख लेते हैं एक बार, आ जाइए ये देखिए, ये देखिए गाइस छत आपको यहाँ पे मिल रही है, पूरा छत देख सकते हैं आप। तो अगर आप गैदरिंग करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तो आराम से यहाँ पे 10 से 15 20 लोग आराम से आ जाएंगे, तो यहाँ पे पार्टी हो जाएगी इजीली। एंड गाइस एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप मैप पास करवा लेते हैं तो यहाँ पे एक और फ्लोर आप बिल्ड कर सकते हैं आराम से। तो ये था हमारा 125 गज में बना हुआ इंडिपेंडेंट विला, और इसके बारे में कुछ भी हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मुझे पता है आप हमारे व्यूअर्स जो हैं वेट कर रहे हैं कि किसका कमेंट सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, तो वो हम रिवील करेंगे बहुत जल्द अगली हमारी वीडियो में, जो हमारी अगली वीडियो होगी उसको देखना ना भूलें, और उसमें हम रिवील करेंगे किसको क्या मिलने वाला है। 4 हमारे व्यूअर्स, उनके हम नाम लेने वाले हैं और उनको गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो में लाइक करें, कमेंट्स करें, एंड नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।